नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाए। बासुदासी श्री रामलीला मेला का उद्घाटन विधायक ने किया, लेकिन रामलीला होगी या नहीं उस पर निसंदेह बताया। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज। विदिशा ब्यूरो चीफ रणधीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। कल 1 जनवरी 2022 को गंज बासुदा रामलीला मेला का उद्घाटन विधायक श्रीमती लीला जैन के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सम्मानीय नेतागण उपस्थित रहे। मेले में रामलीला होगी या नहीं उस पर निसंदेह बताया। गंज बासुदा SDM भी उपस्थित रहे। नगर पालिका CMO ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहन भावसार, पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य मौजूद रहे। नगर पालिका कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी सभी उपस्थित रहे। विधायक लीला जैन ने मेले में सभी दुकानदार भाइयों को वैक्सीन लगवाने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मेले में सभी दुकानदारों को वैक्सीन लगाई। विधायक लीला जैन की मेले के सभी दुकानदारों से मिली और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए बोला, मास्क लगाने के लिए बोला। गंज बासुदा के आसपास के सभी गांव वाले सभी गंज बासुदा के लोग मेले में पहुंचे और रामलीला न होने से नाराजगी जाहिर की और उदास होकर घर लौट गए। गंज बासुदा ग्यारसपुर विधायक श्रीमती लीला जैन से फास्ट इंडिया लाइव न्यूज के ब्रजेश राठौर ने पूछा, मेले में रामलीला क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने उस पर असमंजस की स्थिति बताई और रामलीला मेले में होगी या नहीं इसके लिए अगले आदेश की प्रतीक्षा करें यह कहा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? तो यहाँ कश्मीर आए और आपको काफी टाइम हो गया यहाँ पर बैठे बैठे रामलीला देखने आए हैं, फिर हो ही नहीं रही शुरू। क्या कह रहा है नगर पालिका वाले? वन जाने तुम जानो भैया, सब जाने हम तो देख रहे आए हैं। तो हर साल आप लोग देखने आते हैं? हर साल आते हैं, पूरी रामलीला देखते हैं। पूरी रामलीला देखते हैं हम। कब से बैठे हो जाओ? 12 बजे से बैठे हैं। हमारा ही तैयार हो बैठे हो? हाँ। नगर पालिका वाले तो बोल रहे हैं नहीं हो रही है रामलीला, आप फिर ही बैठे भैया जी? फिर जी जी का क्यों लगा है? कोरोना के विशेष ध्यान को रखते हुए इसलिए पर विशेष रामलीला की अनुमति नहीं मिल पाई। इस संबंध में कोई सूचना जारी की गई क्या नगर पालिका द्वारा? नहीं, इस संबंध में कोई सूचना जारी की। कोविड की क्या गाइडलाइन आई है इसमें? कोविड गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी ना करना, ये चीज़ें। अपने प्रशासक CMO साहब से भी इस बात को रखा हमने, SDM साहब के समक्ष भी ये बात रखी, लेकिन उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। तो मेला का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आता क्या? उसका लेकिन इसमें भी इस बार मेले में विशेष ध्यान रखा गया है। हर चीज़ सर्टिफिकेट देखा जा रहा है दुकानदारों से, वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई है इस बार मेले में। जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा उनको वैक्सीनेशन की व्यवस्था, वैक्सीन भी लगाई जा रही है और सर्टिफिकेट भी देखा जा रहा है। जिनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उनको अनुमति दी गई है। नहीं, देखने में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा मेले में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का कोई जो परमिशन दी गई थी, जो हम लोगों को गाइडलाइन में बताया गया था, वो चीज़ का पालन किया जा रहा है। तो रामलीला में क्या दिक्कत है? रामलीला में, रामलीला में अब स्वीकृति हमें CMO साहब प्रशासक महोदय द्वारा दी जाएगी। हम लोगों ने तो अपना रखा था बात उनके सामने, बहुत कोशिश की गई है लेकिन वो स्वीकृति नहीं मिली। दुकानदार मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क का भी हो रहा, मास्क भी हम लोगों ने कैंप लगाया, मास्क भी वितरण किया जाएगा यहाँ से। वैक्सीनेशन का भी हुआ, वैक्सीनेशन का भी किया जाएगा। वैक्सीनेशन टीम भी घूम रही है मेले में, वैक्सीन जिनको वैक्सीन नहीं लगा उनको वैक्सीनेशन वैक्सीन भी लगाया जा रहा है।